हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ शिमला के कुछ नजारे। चलिए चलते हैं व्लॉग की तरफ। रास्ते के इस साइड पर आप लोग ट्री देख रहे हैं, ट्री है, यानी पेड़ ही पेड़ है। और सीधा खाली रास्ता, ब्रिज। और ये ब्रिज, इसमें गिरा तो हो जाएंगे। फ्रिज देखिए, बहुत गहरा है ये। वैसे तो कैमरे में देखने में इतना गहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनली ये बहुत गहरा है। इसमें एक बार गिर गया तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग वो ब्रिज को क्रच करके मैं चाय का बगान दिखाने वाला हूँ। आसाम का बहुत अच्छा चाय का बगान है, तो वही दिखाते हैं। चलते पत्ते, चाय के पत्ते। चाय के बगान से अभी हम लोग निकल रहे हैं, फिर और एक चाय बगान की ओर जा रहे हैं। वाओ वाओ, लाल फूल। ब्लूमिंग एज अ फ्लावर एंड द ब्लूमिंग एज अ फ्लावर। पुष्प की तरह खिले फूली। एक बार फिर से असम के चाय बगान में। गसर मजे मजे, सिरिस गसर नीचे नीचे, पता तुला रे पता तुला रे। ये मार्च का महीना है, इसलिए आप लोगों को इतना ग्रीन नहीं दिखा। दो या तीन मंथ के बाद ये पूरा एरिया आप लोगों को ग्रीन दिखाई देगा। आज के लिए बागान को इतने में ही गुड बाय कहते हैं। अभी मैं निकल पड़ा हूँ कच्चा रास्ता छोड़ के, अभी मैं पक्का रास्ता की दिशाओं की ओर जा रहा हूँ। मिल ही गया रास्ता, पक्का रास्ता। बहुत मॉर्निंग वॉक हो गया, अभी थोड़ा पेट पूजा भी हो जाए। सुबह सुबह इसको पूरी बोलते हैं, लेकिन हम लोग असम में लूसी भाजी कहते हैं। खाने के बाद जब मैं लौट रहा था, तब रास्ते में मैंने देखा था एक पेड़ पर शिव जी का उपासना स्थली। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।